हेलो हेलो हेलो, आई होप माई वॉइस इज क्लियर। देर इज अ इश्यू ऑफ वॉइस। Totally fine with my end. We will start this session soon. So let me just start the PDF. Today we are taking the polls on history. So I hope everyone is ready for history session. Actually, spiral creations. Today we are not taking the Menti quiz because it is showing some error, but still I will try for you one more time. Then the code will be on the screen. Let's give me some 1 minute. Okay, just wait for a second. Now we are just getting live on that platform. Okay. इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम, हाँ दोनों होंगे। बाद में हम एमसीक्यूज भी करने वाले हैं विच आर रिलेटेड टू दिस थिंग। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। आप देख सकते हो यहाँ पे कि कोड वगैरह क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे मेंटी क्वीज, पहले तो थोड़े बनाने के टाइम ही लाइट चली गई थी, दैट्स वाई 5 क्वेश्चन बने हैं। लेकिन बाकी के जो आपके 25 क्वेश्चन होंगे वो भी यहाँ पे ही होने वाले हैं, उसमें विदाउट मेंटी भी आपको सॉल्व करना है। सो डोंट वरी अबाउट दिस, वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक नाउ। सो लेट्स गेट ऑन द स्क्रीन। यस, सब लोग आइए मेंटी के अंदर। आप टॉप 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले आज, और कल से तो आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होंगे। जस्ट टुडे, फॉर टुडे जस्ट गेटिंग इनटू अंडरस्टैंडिंग। लाइक आज को बस आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इन द मेंटी,
बाकी के मैं PDF पे देता हूँ क्योंकि वो अपलोड नहीं हो रहे थे, और कल से तो आपके मोर देन 30 क्वेश्चंस मेंटी में होंगे। सो आपको menti.com के ऊपर जाना है और कोड टाइप करना है 4401-1564। ओके 4401-1564 एक बार फिर से डालिए, आप कनेक्ट हो जाएंगे। ओके वन प्लेयर इज रेडी। बीच में स्पेस नहीं देनी है। ओके 4401-1564 एक प्लेयर ज्वाइन हो चुका है, आपका ज्वाइन क्यों नहीं हुआ लेट मी टेल द रीजन फॉर दैट। दूसरा प्लेयर भी ज्वाइन हो चुका है। ओके जो हमारे SSC के हैं उनको एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ। पुटुल ओम, उसी के साथ आदित्य यदुवंशी, उसके साथ हमारे साथ और कौन है, ठीक है सुशांत आई होप ज्वाइन हो चुका है। ओके 3 से 4 प्लेयर हमारे अभी ज्वाइन हो चुके हैं। चलो तो फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यस तो लेट्स गेट ऑल करेक्ट आंसर गिव मैक्स पॉइंट्स। द एंशियंट इवेंट ऑफ ओलंपिक कॉम्पिटिशन यूज टू बी हेल्ड एट ओलंपिया ग्रीस, रोम, इंडिया और चाइना। सुशांत menti.com आपको दिख रहा होगा, इस वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे 4401-1564 ये कोड आपको डालना है, बाकी कुछ नहीं करना। एंड एवरीथिंग everyone हैज़ गिवन द करेक्ट आंसर, ओनली 2 पीपल लाइक ओलंपिक ग्रीस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लुक एट द लीडर बोर्ड, यहाँ पे आप एशली, सुशांत, राहुल और स्टिंगलिसियस को देख सकते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आपका सही आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ऑल करेक्ट आंसर्स गिव मैक्स पॉइंट्स। द वुडन डॉल्स मेड इन महाराष्ट्र आर ऑल्सो नोन एज ठकी, कालीचंडिका, गंगावती या चंपावती। सारे के सारे लोग जैसे मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ इसी तरीके से शेयर करने की कोशिश कीजिए। अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है उस टेलीग्राम के ग्रुप पे ऊपर भी आप लिंक को शेयर कर सकते हो। ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 लोगों ने सही दिया है और वो 4 लोग कौन है, तो एशली, सुशांत, ऑस्टिन डिसूजा और राहुल। काफ़ी सही जवाब आपने किए हैं। इसका कोई फॉर्म नहीं होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे कि menti.com के ऊपर जाइए और वहाँ पे कोड एंटर कीजिए 4401-1564। ओके इस कोड के साथ ही आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है आपको किसी और चीज़ को करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 3। 5 प्लेयर्स आर रेडी एंड द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट।
मल्लखांब आउटडोर गेम, वाटर पोलो वाटर स्पोर्ट, स्केटिंग एडवेंचर स्पोर्ट और चेस आउटडोर गेम। इसमें से रॉन्ग पेयर आपको चूज करनी है। वेलकम नाशिकचा ढाण्यावाग संकेत बुरकुल आपल्या क्लासमध्ये तुमचा सीनियर जॉईन झालेला आहे। सगळ्यांनी त्यांचं स्वागत करावं। एंड द करेक्ट आंसर इज चेस इज आउटडोर गेम एंड दिस इज रॉन्ग पेयर। आपको तो पता ही है चेस हम घर के अंदर खेलते हैं। ठीक है, ओके, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइव प्लेयर्स आर रेडी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। द एक्टिविटी विच कंबाइंस फिजिकल एक्सरसाइज एंड एंटरटेनमेंट इज। आपने किसी ने भी वोट यहाँ पे नहीं किया है। ओके, सिक्स लोगों ने वोट किया और बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे आपने इस स्पोर्ट ऐसी एक्टिविटी है कि जो हमें एंजॉयमेंट के साथ साथ ही फिजिकल फिटनेस का भी एक मौका देती है। ओके, वेरी गुड। आप सबके नाम यहाँ पे आप देख सकते हो। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन इन द मेंटी, देन हम पीडीएफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि मैंने आज क्वेश्चन कुछ कम ही बनाए बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यू। सो लेट्स गेट इनटू इट। बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे ही सॉल्व करने हैं। यस यस, आप आ सकते हो संकेत, पढ़ाई करने जाइए। वॉज लुक्ड अपॉन एज अ गेम एंड एंटरटेनमेंट बाय एंशियंट पीपल। डांसिंग, प्लेइंग, सिंगिंग या हंटिंग, इसको एक गेम की तरह एंटरटेनमेंट की तरह देखा जाता था। एंड द करेक्ट आंसर इज हंटिंग। ओके, दैट्स वेरी गुड। आप यहाँ पे देख सकते हो लीडर बोर्ड के ऊपर सुशांत, अर्थमैन, राहुल, इन्होंने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया है। बाकी लोग जो अन अकेडमी ऐप के ऊपर वी कैन से आते हैं, उसमें से सुशांत मेरे सारे लाइव क्लासेस रोज ही करता है, उसको इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी है। ओके, सो यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हो। अगर आप भी ऐसा रिजल्ट चाहते हो तो मेरे क्लास शाम को 9:30 से 10:30 के बीच में होते हैं। कभी कभी स्पेशल क्लासेस भी होते, फ्री होते वो क्लासेस, सो यू कैन जॉइन मी ऑन द प्लेटफॉर्म। बाकी अब हम पीडीएफ को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, लेट मी गिव जस्ट वन सेकेंड, लेट मी अपलोड। ओके, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब करना है। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्ट सिकी, जॉन मार्शल या एलन ह्यूम। आप 1, 2, 3 या ABC में इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। सारे लोग तैयार हो जाइए। सर मैंने फिफ्थ क्वेश्चन नहीं आया, आई डिडंट गिव एनी आंसर। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कोई क्वेश्चन ना दिखे इट्स टेक्निकल इशू, बट बाकी लोगों ने उसको सही किया है। बाकी अब इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में कीजिए। लेट मी सी योर इंटेलिजेंस पावर। एंड दिस इज करेक्ट आंसर बाय आदित्य। जॉन ऑगस्ट सिकी, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय जॉन जेम्स ऑगस्ट सिकी। बाकी तबीयत खराब होने की वजह से आवाज़ थोड़ा आपको कम आ रहा होगा, मे बी थोड़ा खरखर टाइप। ये मेरा ओरिजिनल आवाज़ ऐसा नहीं है। अगर आप ओरिजिनल आवाज़ सुनोगे तो यू विल सी द ब्यूटी ऑफ द वॉइस। टेलीविजन इज एन फिल इन द ब्लैंक मीडियम, विजुअल ऑडियो और ऑडियो विजुअल।
हाँ वो प्राइस का मुझे तो कुछ पता नहीं है वैसे, लेकिन आपको गिव अवे वगैरह मिलने वाले हैं, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। आई थिंक जो हमारे दूसरे सर है ना, हाँ उनको उनके साथ से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दिस इज़ ऑडियो विजुअल मीडियम एंड दिस इज़ पूरा दिमाग का क्वेश्चन, और आपने पूरा अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट। आपको यहाँ पे रॉन्ग पेयर बतानी है, प्रभाकर अत्रे, दर्पण जांभेकर, दीनबंधु भालेकर और केसरी तिलक, ऐसा यहाँ पे दिया है। आप सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको पता चल ही गया होगा, पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे रॉन्ग है। प्रभाकर जो है किसका है, प्रभाकर भाऊ महाजन का है, और यहाँ पे अत्रे दिया है, सो ये होगा रॉन्ग पेयर। फिल इन द ब्लैंक इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन मराठी, दीनबंधु, प्रभाकर, दर्पण या केसरी। ओके इस बिल्कुल सही जवाब, फिल इन द ब्लैंक इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन मराठी, दैट इज दर्पण। दर्पण इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन मराठी लैंग्वेज। एंड आपको पता ही होगा दिग्दर्शन इज द फर्स्ट वी कैन से द मैगजीन इन द मराठी लैंग्वेज, दिग्दर्शन। 6 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज फिल इन द ब्लैंक डे इन महाराष्ट्र। एंड योर आंसर इज करेक्ट, दैट इज जर्नलिस्ट डे। ओके वेरी गुड। द लेटर शतपत्र पब्लिश इन द प्रभाकर वेयर रिटन बाय। इसका आंसर होगा लोकहितवादी, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके वेरी गुड। द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग इलिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन न्यूज पेपर गोज टू। इलिस्ट्रेशन मतलब चित्रकारिता, ड्राइंग्स, बच्चों के जो कार्टून्स होते हैं एनिमेशंस, उसको फर्स्ट टाइम न्यूज पेपर में डालने का जो काम है किसने किया। आंसर इज ज्ञानोदय, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। दीनबंधु वॉज स्टार्टेड बाय, हु वॉज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा फुले। आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट।
आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कृष्णराव भालेकर एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. फिल इन द ब्लैंक न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय आगरकर एंड लोकमान्य तिलक. ओके आंसर इज केसरी एंड मराठा एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बालशास्त्री जांभेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन इन मराठी. और सुशांत एक बात तुम्हें बतानी है, आज थोड़ी तबीयत खराब है तो हमारा जो 9 का क्लास है 9:30 का वो नहीं होगा, ठीक है? नहीं तो तुम फिर से मैसेज करोगे, उस ओम को भी बता देना और पुटुल को भी. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट मराठी मैगजीन बोला है यहाँ पे, न्यूज़पेपर नहीं. तो इसका आंसर होगा दिग्दर्शन. ओके यस. फिल इन द ब्लैंक वॉज द एक्नॉलेज एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर हम किसको बोलते हैं? Newspaper was acknowledged as the fourth pillar of democracy, and that's the correct answer. The first English news bulletin was broadcast on 23rd of July 1927 from the fill in the blank radio station. Answer is Mumbai, and that's the correct answer. The Dr. Rajendra Prasad, the first president of India, inaugurated the fill in the blank Doordarshan Center. और इसका भी answer क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद जी ने कौन सा जो पहला दूरदर्शन सेंटर लॉन्च किया था? एट द मुंबई, सॉरी इन द दिल्ली. ओके यस. Newspaper published special supplement or a special issue to commemorate occasions like competition of 75 years. Like किसके हुए थे? सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट के हुए थे. अ जर्मन वीकली मैगजीन, विनर गिनर कुछ नहीं होता वो, ये जो विनर गिनर की जो कंपटीशन की बातें हैं वो आप इनसे चेकआउट कर लीजिए, जो अपने उन सर का नाम क्या है. हाँ, मेरे क्लास में जो है हम बोल सकते हैं कि कल से हो सकता है विनर का, लेकिन अभी मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है? A German weekly magazine had purchased a number of so-called handwritten diaries that were later proved for. तो उस न्यूज़पेपर का नाम था क्या? था स्टर्न था, ठीक है?
सो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में।